हाँ लिख देना, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं पहले मैं आपको, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, वेर एक्स कैन बी, हाँ वेर एक्स कैन बी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है बेटा। अगर आप इसको ट्रीट करवाते हो पहले किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और सेकेंडली फिर आप उसको क्या करते हो, क्विंच करते हो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। देखो इसमें भी सेम याद रखना, अगर आपको डी दूंगा तो फिर यहाँ पे डी लगाना, एच दिया है तो एच लगाना, यहाँ पे एच दिया है तो एच लगाना, डी दिया है तो डी लगाना, सिंपल है। अब जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो थोड़ा सा अच्छा बनता है, पता है क्या बनता है, आर सी एच टू ओ एच, कौन सा डिग्री अल्कोहल, वेरी गुड बेटा, प्राइमरी अल्कोहल जो कि आजकल नहीं मिल रहा, वेरी सही है ना। बहुत सारे लोगों बच्चे लोग ऐसे तरीके से लाइन लगा के खड़े हैं रस्तों पे, पूरे लॉकडाउन की ऐसी की जैसी कर दी है, बट अपने को बाहर जाना नहीं, घर पे रहना है, पढ़ाई करना आराम से, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए बड़े, एक जनरल मैकेनिज्म बनाते हैं तो क्या होगा, एसिड फ्लोराइड एसिड क्लोराइड एसिड ब्रोमाइड और एसिड आयोडाइड सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म मतलब हमने एक्स लिख दिया, एक्स को वेरिएबल टाइप मान लिया जो कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैकेनिज्म देखना बेटा, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब मैकेनिज्म में पहले क्या होगा बेटा, आपको सबको पता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, अरे बात समझना, यहां पे जो एक्स होता है ना बेटा, ये एक्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, पर साथ में एक्स के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, क्योंकि हैलाइड्स के पास क्या होते हैं, हाँ वेरी गुड, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब तीन तीन लोन पेयर तो क्या कर सकते हैं, प्लस एम दे सकता है, बट ये भाई साहब प्लस एम भी देगा पर साथ में माइनस आई भी देगा, और हमको पता है कि जो हैलाइड्स होते हैं उनका प्लस एम और माइनस आई में डोमिनेट क्या करता है, वेरी गुड, उनका माइनस आई डोमिनेट करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो एक्स है, ये एक्स क्या करने वाला है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, है ना। अब अगर यहाँ पे वो डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है तो उसका यूज कहां पे आएगा, बात समझो, एक केस है जहां पे एच नेगेटिव आके अटैक मार रहा है जहां पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है कम, एक केस है जहां पे एच नेगेटिव आके अटैक मार रहा है वहां पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है कार्बन पे ज्यादा, तो जहां पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बेटा ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा ज्यादा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, वो लोग आपको एसिड हैलाइड्स दे देते हैं चार पांच और आपको बोलते हैं कि कंपेयर करो कि इनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या होगा, ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पर पहले इस पर ध्यान दो। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देने वाला है, बहुत सही, ये हमको देगा एच नेगेटिव, कहां से आया हमारा एच नेगेटिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, अभी आया भाई साहब अटैक हमारा किस पे, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे क्या डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या डेल्टा नेगेटिव, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चलेगा ऑक्सीजन के पास, ये जो मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं बेटा ये बहुत जगह काम आएगा ऑर्गेनिक में, तो उसको तो रट लो अच्छे से, ठीक है। अब तो ये क्या बन जाएगा, आर सी एक्स ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, और यहां पे क्या जाएगा बेटा एच, और एक बात समझ लो, बात समझ, अब क्या था कि इससे पिछले जितनी रिएक्शन पड़ी उसमें क्या होता था कि ओ नेगेटिव बनता था सीधा हम पिंच कर देते थे यहाँ पे ओ एच लग जाता था, बट बेटा इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों, तो एक बात समझो, तो इससे पहले वाला केस अगर मैं आपको दूं, देखो आर सी ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, सपोज यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर लेते हैं, आर यहाँ पे एच, ठीक है, कीटोन की बात है। अब क्या होता था कि इस बेचारे के पास क्या आ गया, ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ऑप्शन बुरा मानते थे, बोलते यार पहले तो अपन ने पाई बॉन्ड भी बना रखा था, तूने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मैंने दो मिनट के लिए ब्रेक किया, तूने तो जिंदगी भर के लिए ब्रेक कर दिया उसको, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन चाहता है कि यार मेरा जो पाई बॉन्ड था मुझे वापस चाहिए, बट उसको वापस कब मिल सकता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिवर्ट बैक कर दे। अब बेटा अब वो रिवर्ट बैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन को किसी न किसी ग्रुप के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अब वो तोड़ तो सकता है क्योंकि सबके सबका है बैड लिविंग ग्रुप, तो निकलना चाहते ही जिद्दी है, इसलिए क्या है कि ऑक्सीजन बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक कर नहीं पाता और इनमें से कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, इसलिए ये भाई इसका पाई बॉन्ड वापस आ नहीं पाता। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्स लगा हुआ है, जो एसिड के जो सारे डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे ना उसमें जो एक्स ग्रुप, यहाँ पे जितने भी एक्स ग्रुप होंगे ये क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, अच्छे लिविंग ग्रुप क्यों होते हैं, बिकॉज इनपे जो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन बोलते हैं यार एक काम करो, अब
अब भाई हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, तुम्हारे हाइड्रोजन आ रहा था इसलिए, अब एक काम करो मुझे मेरा पाई बॉन्ड वापस चाहिए। ऑक्सीजन क्या बोलता है, यार मैं अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक कर रहा हूँ। तो कार्बन अब पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता कि दो बॉन्ड यहाँ पे तीन बॉन्ड यहाँ पे, तो कार्बन क्या बोलता है, बेटा देखो आर एच और एक्स तीनों में से किसी एक को तो घर के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी आ रही है, बेटी आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स एच और आर। अभी देखो बेटा आर क्या होगा, मतलब कार्बन पे नेगेटिव, ये एच मार गया तो मतलब एच पे नेगेटिव आएगा, एक्स मार गया तो बेटा एक्स पे नेगेटिव आएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि बेटा कार्बन हाइड्रोजन और हाइड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, वेरी गुड, हाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर जो नेगेटिव चार्ज हो किस पे स्टेबल होगा, एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, वेरी गुड, ये एक्स यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप, यहाँ पे आप लिख देना, ये एक्स क्या होता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है बेटा। अब सिंपल सी बात है, अब ये वाइसर प्लॉट क्या है, ये वाइसर यहां से निकल लिए किसके फॉर्म में बेटा, एक्स नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। अब एक्स नेगेटिव के फॉर्म में निकल लिए, तो अब ये एल आई का क्या होगा, एल आई का कुछ नहीं होगा, एल आई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, एल आई एक्स की तरह निकल लेंगे, अपने को बायप्रोडक्ट पे ध्यान देना नहीं। अब ये बन गया हमारा क्या, एल्डिहाइड। तो बेटा देखो ये स्टार्ट क्या था, किससे, एसिड हैलाइड से, क्या बन चुका है, एल्डिहाइड। अब क्या होगा, अब बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड वापस से ध्यान देगा इसको, अरे यार ऐसा कैसा बच गया, पबजी में उतरते हो तो कैसा होता है कि जब तक सबको मारो भी नहीं अब तक रुकता नहीं इंसान, वैसे यहां भी क्या बंदा आया है, तो जब तक वो रिडक्शन करेगा जब तक वो रिड्यूस हो सकता है, मतलब हम तुमको इतना मारेंगे कि जब तक तुम मर नहीं जाओगे। वैसे ही केस है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड ने पहले इसको मार मार के यहां तक लेके गया, बट देखा यार तो और मार खा सकता है, और रिड्यूस हो सकता है, तो उसने क्या बोला, रुक बेटा आ रहा वापस से। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड वापस से आता होता है, रुको भाई ऐसा कैसा होगा, तो वापस लिथियम एल्युमिनियम हाइड इसको क्या देता है, एच नेगेटिव देता है, और एच नेगेटिव बच्चा बच्चा जानता है कहां अटैक मारेगा, वेरी गुड, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारेगा, ठीक है बेटा। तो अब क्या होने वाला है कि जो एच नेगेटिव है जो हमको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट ने दिया, ये क्या करेगा, आके कार्बोनिल पे अटैक मारेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे चल जाएगा उसका पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये हो जाएगा आर, ये क्या होगा इसको आर सी ओ नेगेटिव, और ये हो जाएगा एल आई पॉजिटिव, और यहां भी क्या लग जाएगा बेटा, ये एच लग जाएगा, और ये एच तो हमारे पास एक पहले से भी है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, सिंपल एच नेगेटिव का अटैक मारो, ओ नेगेटिव बना, ये बना दो, सिंपल है। अब ये तो हो चुका, अब सब कुछ खत्म हो चुका, अब ज्यादा रिड्यूस हो नहीं सकता, तो इसका H प्लस के साथ रिएक्शन करवा दो आप, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये R C O H H और ये H। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने एक एसिड हैलाइड से स्टार्ट किया था, फिर वो पहले कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड के अंदर, फिर वो वापस से रिड्यूस होकर क्या बन गया बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, सिंपल सी बात है। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करना, इसको हम नाम देता हूं, ये ए है सपोज, और ये सपोज बी है, और ये सपोज सी है, ठीक है। अब आप यहां देखना, इससे यहां पे जाने में, यहां से यहां पे जाने में क्या हो रहा है कि एच माइनस जाके इस पे आके ऐड हो जा रहा है ना, ऐड हो रहा है यहाँ पे आके। और एक बात समझो कि जो एच माइनस है न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, जल्दी बताओ, वेरी गुड, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्यों बेटा, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा एच नेगेटिव क्या बेचारा छोटा सा, हाँ ये है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है जाके इसमें ऐड हो रहा है। तो यहां से यहां की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हाँ इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। पर आप यहां ध्यान दो कि जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था उसने अपना वो नेगेटिव चार्ज रिवर्ट बैक करा था, तो यहां से ग्रुप निकल गया, कौन सा ग्रुप निकल गया, एक्स ग्रुप निकल गया। ग्रुप निकलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो ये वाली जो स्टेप है इसको क्या बोलेंगे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना बेटा। अब आप देखो एलिमिनेशन के बाद फिर से क्या बन गया था, एल्डिहाइड बन गया था, फिर वापस से क्या हुआ, एच नेगेटिव जाके वापस से उसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे शो करी। तो यहां से यहां तो एडिशन है, बट यहां पे कोई एलिमिनेशन दिख रहा है आपको, नहीं, तो सिंपली यहां से यहां वाली इसको क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी और सी, तो बेटा ए से जो बी में जाने का प्रोसेस है इसको एक साथ हम कैसे बुला सकते हैं, हाँ इसको हम बुला सकते हैं बेटा, इसको रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एक साथ एडिशन भी हो रहा है और एक साथ एलिमिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए से बी तक जाने का, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है।
और जब हम कंपाउंड बी से कंपाउंड सी की तरफ जा रहे हैं तो देखो वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा, कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या बोल देंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, इसको बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। पहले क्या हुआ, एच नेगेटिव आने अटैक मारा, ओ नेगेटिव बना एल आई, पर ओ नेगेटिव वापस अपना पाई बॉन्ड वापस आता है तो अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करता है, कार्बन पांच बॉन्ड बना नहीं सकता, तो एक ग्रुप निकालना पड़ेगा। वो ग्रुप निकलता है जिसपे नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है, वो जो ग्रुप निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। ये बन गया एल्डिहाइड में, पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट को यह बात पसंद नहीं आती कि ऐसा कैसा काम अधूरा छोड़ने, यानी मारना तो पूरा मारो, तो वापस से गया बोला एक काम कर तू रिड्यूस हो सकता है, तू वापस रिड्यूस हो, तो वापस से एक और मूल आता है, एच नेगेटिव आता है, अटैक मारता है, वापस से वो नेगेटिव बनता है। पर अब ये वापस से लौट के तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं लौट के आ सकता, क्योंकि ये एच 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 और आर ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप होते नहीं है। तो भाई साहब ये बन गया वापस से क्या हमारा, इसने अब वापस तो आ नहीं सकता, तो वो नेगेटिव एच प्लस लेके क्या बना दिया, प्राइमरी अल्कोहल। तो मतलब हमारा अगर हम ऐसे एनालाइट से स्टार्ट करते तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। वेर एक्स इज अ लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रेट, ये सब होते हैं। सिंपल, जल्दी से आप नोट कर लीजिए उसको। चलो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बेसिस पे, कि एक क्वेश्चन आप मुझे बताएं, आप कुछ क्वेश्चन दे दो पहले आपको। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन करो और प्लीज ईमानदारी से करने का क्वेश्चन, चीटिंग बिल्कुल नहीं। CH3C(OCl) इसको आप क्रिएट करो पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फिर सेकेंडली आप ट्रीट करना है इसको H3O+। ठीक है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको आप ट्रीट करो LiAl(D4) के साथ, सेकेंडली आप इसको ट्रीट करना D+ और D2O के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, और यहां पे आप ट्रीट करना है इसको D+ D2O के साथ। और क्वेश्चन नंबर फोर आपको देता हूँ, ये शायद से आप नहीं कर पाओ, बट प्लीज अच्छे से अटेंड करना, आई होप आप लोग कर सकते हो। रिएजेंट सेम दे रहा हूं और सेकेंडली आपको दे रहा हूं साथ में अमोनियम क्लोराइड। देखो यहां पे मैंने D+ या H+ नहीं दिया, आपको अमोनियम क्लोराइड दिया है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी सोचनी है कि सर कुछ चेंजेस क्या करने हैं, क्यों करने हैं। ठीक है, ध्यान दिमाग लगा दो प्लीज। चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो पहले क्या हुआ बेटा, हाँ ये जो भाई साहब है हमको देंगे ये H नेगेटिव जाके अटैक मारेगा, ओ नेगेटिव बनेगा, है ना, फिर वो ओ नेगेटिव क्या वापस बना के देख लेते हैं, आपको एक बना के दिखाता हूँ। CH3C(O-), यहाँ पे क्या रहेगा Cl रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा H, फिर O नेगेटिव वापस से रिवर्ट बैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा कौन, क्लोरीन निकल गया। ठीक है, अब ये वापस से क्या बन गया बेटा, क्लोरीन यहाँ पे निकल चुका है, तो बन जाएगा बेटा CH3C(OH), ये क्या है हमारा एल्डिहाइड बन चुका है। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वापस से चुप तो नहीं बैठना, क्या करेगा वापस से अटैक मारेगा, वापस से क्या हुआ एच नेगेटिव का अटैक मारेंगे, इस पे अटैक मार दो, फिर ये फाइनली क्या हुआ बेटा CH3COH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये OH कहां से, कुछ नहीं है, H नेगेटिव का अटैक मार के मैंने यहीं पे ही H+ का भी सोर्स इसको दे दिया। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या देगा हमको, वेरी गुड, ये हमको देगा बेटा D-, क्योंकि देखो यहाँ पे H है तो H नेगेटिव, D है तो D-, तो यहाँ पे क्या हुआ D- ने आके अटैक मारा, O नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब इस तरीके से ये ओ नेगेटिव बन चुका है, यहाँ पे एल आई पॉजिटिव भी होगा साथ में इसके, और यहाँ पे एच लग चुका है, यहाँ पे बी आर है, फिर वापस से लिविंग ग्रुप है, वापस रिवर्ट बैक करेगा, ये बी आर निकाल दिया यहां से इसने, है ना,
अब ब्याज निकाल दिया तो यहां से ब्याज निकल गया, ब्याज नेगेटिव के फॉर्म में। आप देखो बेटा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या जाएगा ये एच आ गया, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका एल्डिहाइड में, फिर वापस से क्या होगा लिथियम इसमें वापस से एच नेगेटिव का अटैक मारेगा, फिर ओ नेगेटिव बनेगा, फिर वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिंपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस तरीके से। सॉरी इसमें हमने एच प्लस नहीं डाला, इसमें डी प्लस डाला हुआ है ना, तो यहाँ पे डी लगेगा, सॉरी यहाँ पे जो एच का नेगेटिव का अटैक होगा, पर यहाँ पे जब ओ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे जब ओ नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे एल आई पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे देखो बेटा क्या डाला हुआ है डी प्लस, तो डी प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट इस तरीके से, यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या ओ डी, सिंपल है। आप एक दो तीन चार पांच सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ओके। अच्छा सॉरी यहाँ पे एच लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां देखो एल आई एल एच फोर क्या करेगा, एच नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे एच आने वाला है ना, तो भाई देखो यहाँ पे क्या होगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, पहले तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वापस से अटैक मारेगा, फिर अटैक मारने का होगा सी एच थ्री सी एच टू हो जाएगा, अभी ओ नेगेटिव बनेगा है ना बेटा, तो ओ नेगेटिव यहाँ पे क्या जाएगा डी प्लस, वापस से क्या बन जाएगा ओ डी, यहाँ पे लगा देना ओ डी, इसको फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। आप इसमें देखो बेटा इसमें कुछ नहीं, ये जो एन एच फोर सी एल ए कैसे बनता है बेटा, ये बनता है NH3 प्लस HCl से। तो एक बात हमेशा रखना, जो अमोनियम क्लोराइड ये भी किसका काम करता है, ये H+ के सोर्स का काम करता है, ठीक है। तो ये भी क्या प्रोवाइड कराएगा हमको एसिडिक मीडियम, मतलब H+ ही देने वाला है। जो फाइनल स्टेप में हमको जो H+ मिलने वाला था वो कहां से मिल जाएगा, वो आपका H+ यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहले क्या होगा, ये अटैक मारेगा है ना, अटैक मारेगा तो O नेगेटिव बनेगा, देखो यहां से H नेगेटिव निकला, अटैक मारा इस पे ओ नेगेटिव बन गया, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर ओ नेगेटिव लौट के आएगा क्लोरीन यहाँ से बाहर, तो क्या हो जाएगा बेटा देखो एच तो है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये इस तरीके से यहाँ पे एच और ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। बन गया पहले एल्डिहाइड बन गया एसिटाल्डिहाइड, फिर क्या होगा वापस से लिथियम एल्युमिनेट आएगा, वापस से इस पे एच नेगेटिव अटैक मारेगा, ओ नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। और देखो इस तरीके से यहाँ पे एच पहले से था, एच यहाँ पे और यहाँ पे ओ नेगेटिव, फिर ये क्या होगा अमोनियम क्लोराइड के पास से क्या मिलेगा इसको H प्लस मिलेगा, तो O नेगेटिव ये H प्लस उठा के क्या बना लेगा बेटा, वेरी गुड, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा के क्या बन जाएगा ये इस तरीके से O H, सिंपल है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमने सीखा आज की एसिड हैलाइड्स को किस तरीके से लिथियम एल्युमिनेट रिड्यूस कर सकता है। पहले क्या होता है वो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट उसको फर्दर रिडक्शन करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल के अंदर। दो पॉइंट हमेशा याद रखने हैं आपको कि जो कार्बन पे जो एच लगते हैं वो कहां से आते हैं रिएजेंट में से, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीजन पे जो एच आता है वो कहां से आता है वो मीडियम में से आता है एसिडिक मीडियम में से, सिंपल सी बात है। ये कुछ क्वेश्चन थे, जल्दी से इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखने वाले, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टर जो होता है उसका रिडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद एसिड का रिडक्शन देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम किसका अमाइड का देखेंगे, फिर अनहाइड्राइड का देखेंगे, फिर उसके बाद हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप सब पे रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए।